मुंबई से सटे इलाके वसई पूर्व के राधा कृष्णा मंदिर के सामने ग्राउंड में सामाजिक संस्था धरती पुत्र सेवा संस्था ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वर्ल्ड के बेस्ट कमांडो ट्रेनर ग्रैंड मास्टर सिफूजी शौर्य भारद्वाज रहे। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष आरती पाठक और साथ ही कार्यक्रम के संयोजक हेमेंद्र पाठक ने बताया कि देश के शहीदों को नमन करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में पहुंचे सिफूजी शौर्य और आयोजक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमने तो एक छोटी सी शुरुआत की, अब इसका सहयोग आप सब लोगों को हमको देना है, इस संस्था को देना है, ताकि ये पूरे अपने भारतवर्ष में ऐसा ही प्रोग्राम करती रहे और उन लोगों की मदद करती रहे जो जिसकी जैसी ज़रूरत है। सर, ये धरती पुत्र सेवा संस्था सिर्फ हम सब की एक सोच है और ये धरती पुत्र का जो लोगो है माँ और बेटे का, ये सबके साथ में है और माँ बेटे का रिश्ता बताया नहीं जाता, ये सब लोग एहसास कर सकते हैं। हमारे BSF की एक जवान शहीद जिसके परिवार में हो गए हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं, हम उनको बुलाए हैं, उनका सम्मान हम करेंगे और आप लोगों से हमारी विनती है कि आप सब लोग देखें और समझें कि शहीदों की शहादत का सम्मान करें और कैसे करना, वो आप सब लोग बताइए। सब करें, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए है, उनका दर्द समझिए आप। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सम्मान मांगते हैं और इस सम्मान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप और कुछ नहीं दे सकते हैं। उनके लिए दुआएं कीजिए। वो जो योद्धा वहाँ माइनस और प्लस में इतनी गर्मी और सर्दी में आपके बच्चों के लिए और आपकी खुशी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए फौज का सम्मान कीजिए। औकात है जो ये राजनीति करते हैं ना शहादतों पे, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि कभी मेरे सामने मत पड़ जाना, घसीट के मारूंगा। जय हिंद।